सतरूपं विलोकि कर जोरे देवी मां वर जो रुचि तोरे जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सही कृपाल मुहि अति प्रिय लागा प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई जदपि भगत हित तुम ही सुहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर जामी अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई जे निज भगत नाथ तव अहनी जो सुख पाही जो गति लही सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर रे भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों महाराज मनु और महारानी सत्यरूपा राज्य का परित्याग करके नैमिषारण्य में जाते हैं और प्रभु की के साक्षात्कार के लिए दर्शन के लिए क्रमशः उनकी साधना आगे बढ़ती जाती है। अंत में व्याकुलता की वह स्थिति आ गई और तब प्रभु उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम है उनके भाग बाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। आद्याशक्ति भगवती श्री जानकी प्रभु ने महाराज मनु से पूछा आप क्या चाहते हैं और बड़े ही विनम्रता से उन्होंने ये कहा कि बस मैं तो केवल आप जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु उनकी चतुराई को समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम संकोच मत करो मैं ही तुम्हारा स्वयं पुत्र बन करके जन्म लूंगा। फिर उनकी दृष्टि महारानी सत्यरूपा की ओर गई और तब प्रभु ने उनसे पूछा कि देवी आपकी क्या रुचि है आप यह बताने की कृपा करें। महारानी सत्यरूपा ने यह कहा कि हमारे चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय लगा किंतु आप जब मुझसे स्वयं फिर से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए तो मैं कुछ और आप अपने आपके समक्ष अपनी भावना प्रकट करता हूं। और तब उन्होंने 6 वस्तुओं की याचना की। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके जो निज भक्त हैं उन्हें जो सुख प्राप्त होता है उन्हें जो गति प्राप्त होती है जो भक्ति प्राप्त होती है आपके चरणों में उनका जैसा स्नेह होता है उनमें जैसा विवेक होता है और आपके निजी भक्तों की जैसी रहनी होती है वो आप मेरे जीवन में मुझे प्रदान करें। भगवान राम ने यह वस्तु कहते हुए स्वीकृति दिया और फिर इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है उसके उस दृष्टि से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ ये उलाना तो जुड़े हुआ है कि मैं प्रसंग को बीच में ही छोड़ देता हूं। तो एक ही दोहा है तो किसी न किसी तरह से पूरा तो करना ही चाहिए। तो उसलिए सुख और विवेक के संदर्भ की चर्चा आपके सामने पिछले दिनों की गई। भगवान पहले विवेक देते हैं और विवेक के पश्चात वे कहते हैं कि आप जो भक्तों का निज सुख प्राप्त करना चाहती हैं वह मैं दूंगा। पर उसके पश्चात जो तीसरी वस्तु उन्होंने मांगी वह थी गति। गति शब्द का तात्पर्य क्या है अर्थ क्या है तो गति शब्द के कई अर्थ हैं।
पर दो मुख्य रूपों में उस गति के अर्थ पर हम दृष्टि डालें। एक तो यह है कि मरने के पश्चात जो गति होती है, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और किसी को मुक्ति प्राप्त होती है। तो एक गति शब्द का अर्थ है मृत्यु के पश्चात जो का भक्त को या ज्ञानी को प्राप्त होता है वह गति है। गति दीनी जो जाचत जोगी, यहां पर मुक्त की ओर संकेत। पर दूसरी ओर गति शब्द का प्रयोग एक और अर्थ में है। ये जो वेदांत की मुक्ति है तो उसमें भी वेदांत की मुक्ति के साथ भी बहुधा एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त कहने का तात्पर्य है कि मरने के पश्चात यदि व्यक्ति को मुक्ति मिली तो वह व्यक्ति मुक्त हुआ, किंतु जीवित रहते हुए भी जिसको उस मुक्त के सुख का अनुभव हो रहा है, स्वयं अपने आप को मुक्त समझ रहा है, उसके लिए मुक्त के साथ एक शब्द जोड़ देते हैं, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त महा मुनि जेवु हरि गुण सुनहि निरंतर तेवु। जो महामुनि जीवन मुक्त है वे भी भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। और दूसरी ओर भक्त शास्त्र मरने के बाद जो गति प्राप्त होती है का उसे बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि आप रामचरितमानस में यह पढ़ते ही हैं कि भक्त जो है वो मुक्ति न चाह करके भगवान की भक्ति ही चाहता है। अस विचारी जे परम सयाने मुकुति निरादरी भगति लुभाने। तो भक्ति के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि यह जो गति है वह एक दूसरे ही अर्थों में, और वह आपको उसकी व्याख्या या तो अहिल्या के प्रसंग में मिलेगी या श्री भरत जी के प्रसंग में मिलेगी। ये जो यात्रा है, कृपया इस भूमिका को बहुत गहराई से आप समझ लेंगे। शत्रुपा जी ने जिन 6 वस्तुओं की याचना किया, इसकी समग्रता का सूत्र जो है आपको उस समय मिलेगा जब चारों भाई विवाह करके जनकपुर से लौटे और महारानी शत्रुपा कौशल्या जी के रूप में विद्यमान है और अन्य माताएं भी हैं। तो जब इन माताओं ने चारों पुत्रों को और चारों वधुओं को देखा तो उन्हें सुख मिला। सुख का ही प्रश्न था, पर वो सुख क्या था, कैसा था, कितना था, इसके लिए गोस्वामी जी ने फिर से 6 वस्तुओं की ही गणना कराई। इस 6 का उस 6 से पूरा संबंध है। थोड़ी वो प्रक्रिया जटिल तो है, मैं नहीं समझता हूं कि कितने लोग उसका आनंद ले सकते हैं कितने लोग नहीं, पर आशा यही है कि आप सब प्रबुद्ध हैं और आप उसको अगर एकाग्रता से सुनेंगे तो आप उसका आनंद ले सकें। वो स्वामी जी कहते हैं माताओं ने जिस समय देखा, अब वहां पर वो पंक्तियां आप पढ़ें, कैसा सुख मिला। बोले पावा परम तत्व जन जोगी, 1 अमृत लहेवु जन संतत रोगी, 2 जन्म रंक जन पारस पावा, 3 अंधन लोचन लाभ सुहावा, 4 मूक बदन जनु सारद छाई, 5 और मानहु समर सूर जय पाई। बड़ी अद्भुत सी बात है। इसमें तो एक एक वाक्य इतना है कि वो समग्रता की ओर संकेत करता है, पर गोस्वामी जी ने यह आवश्यक समझा कि 6 वहां पर उन 6 का ठीक ठीक निर्वाह करने के लिए वे कहते हैं कि जैसे किसी योगी ने परम तत्व पा लिया पहले, उसके पश्चात वे कहते हैं अमृत लहु जनु संतत रोगी, जैसे कोई अनादिकाल से निरंतर रुग्ण रहने वाला रोगी रहने वाला व्यक्ति हो उसे अमृत मिल गया।
फिर वो कहते हैं कि जैसे जन्म के दरिद्री को पारस मिल गया हो, फिर कहते हैं जैसे अंधे को नेत्र का लाभ मिल गया हो, फिर कहते हैं मूक बदन जब शारद छाई, जैसे किसी गूंगे के मुख पर सरस्वती आ गई हो, और फिर कहते हैं कि मानव समर सूर जय पाई, जैसे किसी महान योद्धा ने एक संघर्ष में विजय प्राप्त कर लिया। ये छह गोस्वामी जी वहां पर उनका सूत्र देते और फिर बड़ी अनोखी बात कहते हैं, महाराज जो तो एक ही इतना अधिक है, इतना ही लिख देते कि योगियों को जो परम तत्व प्राप्त करने पर आनंद मिलता है वह कौशल्या जी को मिला, पर ना उन्हें तो संतोष ही नहीं होता है। एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह, सोई सुख सोई गति सोई भगत के बाद फिर से ये छह अंक सामने आते हैं। पर उससे भी बढ़कर के पढ़ के आनंद तो तब होता है कि पढ़ने वाले को लगता है कि तो बड़ी अतिशयोक्ति है। अब एक ही कह दे, पर ये क्या कि वो कहे जा रहे हैं। तो पूछा गया कि क्या इन छ को जैसा सुख प्राप्त होता है वैसा सुख कौशल्या जी को मिला, और तब गोस्वामी जी का गणित तो बहुत आगे चला गया, उसको पढ़ करके आश्चर्य होता है। बोले यही सुख थे सतकोटि गुण, 100 करोड़ गुना और कर दीजिए, यही सुख थे सतकोटि गुण पावही मां तो आनंद, भाई ने सहित विवाह घर आए रघुकुल चंद। ये जो 6 को प्राप्त होने वाला सुख है उसका 100 करोड़ गुणा कर देने पर जैसा आप आनंद की गणित की सुख के जैसे गणित की कल्पना कर सकते हैं वैसा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। मानो शत्रुपा जी के रूप में महारानी शत्रुपा ने जो वरदान प्रभु से मांगा था और कौशल्या जी के रूप में उसी की उपलब्धि हुई, और वो उपलब्धि की परिपूर्णता का अभिप्राय क्या कि जितना मांगे कोई उतना दिया जाए तो भी उदार है, मांगने वाला अधिक मांगे कम दे तो उसे उदार कैसे कहेंगे, लेकिन जितना मांगा उतना ही दिया तो उदार ही। लेकिन भगवान तो उदार नहीं परम उदार है, मांगने वाले ने जितना मांगा उससे 100 करोड़ गुना करके उन्होंने दिया, गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं। अब इस दृष्टि से विचार करके आइए थोड़ा उस प्रसंग में गोस्वामी जी जो बातें कह रहे हैं उस पर दृष्टि डालें। कल जो प्रसंग चल रहा था जन्म लेते ही प्रभु ने अवतार लेते ही विवेक दिया, मां को सुख प्रदान किया, और वो सुख की जो मात्रा है निरंतर कौशल्या अम्मा को प्रभु विविध रूपों में सुख दे रहे, और उस सुख के संदर्भ में गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा वाक्य लिखा वो बड़ा अनोखा है। कौशल्या अम्मा न केवल बालक रूप श्री राम को गोदी में लेने का सुख प्राप्त करती है, उन्हें स्तन पान कराती है, उनका श्रृंगार करती है, उनको लालन आती है, अनगिनत रूपों में प्रभु उन्हें सुख प्रदान कर रहे, और सुख इतना घनीभूत और दिव्य है कि गोस्वामी जी ने कहा कि धन्य है अयोध्यापुरवासी और उसमें भी कौशल्या अम्बा, और उसे देख करके भगवान शंकर के मन में उस सुख को पाने की इच्छा हुई। गोस्वामी जी का वो दोहा है, जही सुख लाग पुरारी अशुभ बेस कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेही सुख मह संतत मगन। भगवान शंकर ने उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो शंकर रूप को छोड़कर के मनुष्य के रूप में आ गए, और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो दिव्य सुख कौशल्या अम्बा पा रही है तो उस सुख के लिए मनोसंकेत यही है कि एक स्थिति यह है कि जहां पर व्यक्ति साधना के द्वारा ऊपर उठता है, पर अब ऊपर उठने की तो कोई आवश्यकता नहीं, जब भगवान ही ऊपर से नीचे आ गए हैं तो ऊपर जाने की अपेक्षा ही क्या। और तब मानो यहां पर ठीक क्रम उलट गया,
भगवान शंकर ये पूछते हैं, सोचते हैं इस सुख को हम कैसे, इस सुख का हम कण कैसे प्राप्त करें। और तब गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में, रामचरितमानस में शंकर जी उस सुख की उपलब्धि के लिए जो उपाय करते हैं उसका वर्णन करते हैं। कहा देखें, कोई व्यक्ति चोरी तभी करता है कि जब उसको किसी वस्तु की आवश्यकता हो और अभाव हो। तो भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे और भगवान राम के अवतार का और बाल लीला का वर्णन किया, तो आपने कहा कि पार्वती अब मैं तुम्हें अपनी एक चोरी सुना रहा हूं। और एक कहो निज चोरी, और साथ साथ वाक्य जोड़ दिया, सुनू गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है, बोलने की कला है। जिस समय बाल लीला हुई थी उस समय सती जी पत्नी के रूप में थी और भगवान शंकर का वहां से अयोध्या आकर के बाल लीला के उत्सव का आनंद लेते हैं, लेकिन वह बात उन्होंने सती से नहीं बताई कि मैं अयोध्या में वो सुख प्राप्त करने जा रहा हूं। अब कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है, उसका अभिप्राय कि तुम इतनी संस्यालु थी कि मैंने जानबूझ करके सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया है और मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूं तो शास्त्रार्थ छिड़ जाएगा, को निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होगा, व्यापक एक देश में कैसे आएगा, तो फिर ऐसे अवसर पर विवाद प्रारंभ हो जाए तो फिर रस का सारा आनंद ही समाप्त हो जाएगा। तो मानो उन्होंने इस रहस्य को छिपा लिया था, पर आज कह रहे कि आज तुम्हारी बुद्धि उसे सुनने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी चोरी बता रहा हूं। और पहली वह चोरी जो करते हैं शंकर जी क्या कहते हैं, अयोध्या में चारों ओर उत्साह और उल्लास का वातावरण है। और तब शंकर जी ने सती जी को तो साथ लिया नहीं, हाँ अपने शिष्य भुसुंडी जी से कहा, चलो सम्मिलित होने चल रहे हो अयोध्या के उत्सव में। उसका अभिप्राय यह है कि भाई पत्नी का संग तो अन्यत्र धर्म के संदर्भ में परमावश्यक माना जाता है, पर भक्ति के संदर्भ में तो जिससे हृदय मिले, मन मिले, रस की रीति मिले, वही संग होना चाहिए। तो भुसुंडी जी और दोनों ही जो है उन्होंने जो वर्णन किया, काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप, जान ही नहीं को मैं भी मनुष्य बन गया, भुसुंडी भी मनुष्य बन गए। और तब क्या कर रहे हैं, परमानंद प्रेम सुख, एक सुख शब्द को गोस्वामी जी नए नए अर्थ दे रहे हैं। तो ये ब्रह्म साक्षात ईश्वर शंकर जी को, वो तो सुख स्वरूप है, तो सुख स्वरूप भगवान शंकर क्यों आए हुए चोरी करने। और गोस्वामी जी ने कहा कि आज शंकर जी सुख की जो नई नई पद्धति है रस की, उसका आनंद लेने के लिए आए हुए। और उसका अभिप्राय कि अभी तक तो ब्रह्म से अभी अपनी अभिन्नता का बोध है, समाधि का सुख है, पर वास्तव भिन्न स्थिति है, ईश्वर बालक बन गया है, कौशल्या की गोद में आ गया है, मानो यह जो प्रेम सुख है। और कितना कितनी विलक्षण सी बात है, भगवान शंकर पुरुष के रूप में है, भुसुंड जी भी साथ में पुरुष के रूप में है, तो भीतर तो जा नहीं सकते। अब भीतर नहीं जा सकते तो कर क्या रहे, गलियों में घूम रहे, यही शब्द उन्होंने कहा, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। क्यों भगवान शंकर भीतर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा स्त्री वेश बना करके अपने आप को हो चाहे तो संकल्प से, का नारी रूप में भी बना सकते हैं। कहा जाता है कि रासलीला में उन्होंने गोपी रूप में रासलीला में भाग लिया, और वह शंकर जी की बात तो जाने दे, तुलसीदास जी भी स्वयं ये कहते हैं कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो मैं भी वहां था, और था ही नहीं स्त्रियां जो गीत गा रही थी उसमें मैं भी था, कहा तुलसी हूं मिल गए हूं। पर शंकर जी ने एक नया सूत्र दिया, क्या का भगवान शंकर गलियों में घूमते हुए किसे देख रहे हैं,
और तब वह सूत्र है कि जो स्त्रियां दर्शन करके आ रही हैं, उनके मुख पर, उनके नेत्रों में जो अद्भुत आनंद है, भगवान शंकर अनगिनत रूपों में उसका आनंद ले रहे हैं। इसका अभिप्राय भगवान को ही देखने में आनंद नहीं, भगवान को भक्तों की आंख में देखिए तो और आनंद बढ़ जाता है। इसका सूत्र ये, एक तो सीधे भगवान को देख लिया और देख करके बड़ा सुख मिला, और दूसरा किसी प्रेमी भक्त की आंखों में देखा तो वो सुख तो और भी, का मानो यूं कह लीजिए कि जैसे का कोई वस्तु बड़ी रसमयी हो और उसमें सुगंध भी मिल जाए तो और भी पीने का आनंद है। तो भगवान का जो दिव्य सौंदर्य रस है तो अमृत है, पर भक्तों की भावना की सुगंध जब उसमें मिल जाती है तो फिर उसका दिव्य रस का वो अद्भुत ही रस बन जाता है। वो भगवान कृष्ण के लीला के संदर्भ में भी रूप गोस्वामी जी ने यही कहा। रूप गोस्वामी जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के महानतम भक्तों में, संतों में, आचार्यों में है। उनसे किसी ने पूछा कि आप मुक्ति के प्रेमी हैं कि नहीं, तो कह लगे कि मुक्ति को तो मैं नीम की निमकौड़ी मानता हूं, उन्हें ये नीम का जो फल होता है वो भी पकने पर थोड़ा मीठा हो जाता है, पर उन्होंने कहा कि अब वो अगर किसी को मिठास ही चाहिए तो अब निमकौड़ी का मिठास जो लेना चाहे वो ले, समझ के कि भाई ये मिठास भी और दवा भी। तो मुक्ति तो ये नीम का जो फल है उसका रस है, तो मैं तो उसको रस नहीं लेता हूं, आप कौन सा रस लेते हैं। उन्होंने कहा निर्वाण निम्ब रस में वरसान भिज्ञा चूष्यंतु नाम रस तत्व विदो वयम। वो तो रस को नहीं जानने वाले हैं, वो उस निमकौड़ी को, मुक्ति की निमकौड़ी को चूस है। तब आप कौन सा रस पीते हैं? श्यामामृतम, श्याम सुंदर की रूप माधुरी है उसका रस मैं पीता हूं। पूछ दिया कैसे पीते हैं, कौन सा पात्र होता है। तब रूप गोस्वामी जी ने दर्शन की जो पद्धति बताई वो बड़ी मधुर है। क्या आप श्यामामृत को सीधे पीते हैं? क्या उनका दर्शन करते होंगे और दर्शन करके उनके रूप रस का पान करते होंगे? ना ना, मैं भगवान कृष्ण को नहीं देखता हूं। गोपियां जब उनका दर्शन करके लौटती हैं और उस समय उनके नेत्र के चुल्लू से, गोपियों के नेत्र को उन्होंने चुल्लू बनाया। चुल्लू का अर्थ यह है जैसे आपने गिलास में जल लिया या किसी पात्र में लिया, पर आपने देखा होगा कि जहां पर जल पिलाने का पौसरा होता है, अब वहां बर्तन पहले देने की परंपरा नहीं थी, तो वो पिलाने वाला पिलाता था और पीने वाला जो है, क्योंकि बर्तन दिया जाए तो जूठा हो, फिर साफ किया जाए, तो अपने चुल्लू में उधर से जल लेता था पिलाने वाला और इधर से वो चुल्लू में जल पीता था। गोस्वामी जी वही तुलना करते हैं। बोले ये जो गोपियां हैं, कश्यामामृतम मदन मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलुकिता वसिता पिबामा। और रही बात उन्होंने कह दिया, बोले गोपियां अपने नेत्र के चुल्लू से भगवान की सुंदरता का रस पी रही, तो फिर उन्हें आनंद आ रहा होगा। बोले ना, चुल्लू की विशेषता यह है, विचित्रता भी है, कि आप कितना भी संभालिए थोड़ा ना थोड़ा जल बाहर टपकेगा। इसलिए उन्होंने गोपियों के नेत्र को और कोई बर्तन नहीं बनाया। अब बर्तन में होगा तो बर्तन में पी रही, पर चुल्लू में पियेंगी तो जल स्वाभाविक टपकेगा। और तब वो कहते हैं कि गोपियां जब नेत्र के चुल्लू से श्याम सुंदर के रूप रस का पान करती हैं, तो उस चुल्लू से जो जल टपकता है मैं उसे पीता हूं। श्यामामृतम मदन मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलुकिता वसिता पिबामा। उसका अभिप्राय ये कि भगवान का दर्शन करने में जितना आनंद है, भक्तों के नेत्र में और नेत्रों के माध्यम से जो उनकी प्रीति होती है, उनका जो रस उसमें मिल जाता है, वो न जाने कितने गुने आनंद की वृद्धि कर देता। और इसीलिए गीतावली रामायण में, रामायण में एक सखी ने कहा दूसरे सखी से, श्री राम को देखो, मैं देख तो रही हूं, मेरे पास नेत्र नहीं है क्या, मैं भी तो देख रही हूं।
उस सखी ने कहा ना, इनको अपनी आंख से मत देखो। तब कैसे देख? बोले बिलो कहू री सखी मोही सिवाय, पहले मेरी दृष्टि में अपनी दृष्टि एकाकार करो और तब इन्हें देखो। तो मानो रस की एक नई पद्धति का दर्शन कराने के लिए भगवान शंकर अभी ये चेष्टा कर ही नहीं रहे हैं कि वो भीतर प्रविष्ट हो। का उन्होंने जो स्त्रियां दर्शन करके ब्रह्म बालक ब्रह्म का दर्शन करके आ रही हैं और आ रही हैं और उनके आंखों में उनके मुख पर जो दिव्य भाव है भगवान शंकर और भुसुंड जी देखते हैं और कहते हैं इतना आनंद आया, इतना, और उसका अर्थ क्या हुआ? अब इतने भक्त और वहां से अमृत टपक रहा है और सब उसको पिए ले रहे हैं। और तब उन्होंने कहा परमानंद प्रेम सुख फूले, उस दिव्य प्रेम का सुख पा करके हम दोनों फूल गए, इतना पिया कि परमानंद प्रेम सुख फूले और बीथिन फिरही मगन मन भूले। बस मग्न होकर के हम वीथियों में भ्रमण करते रहे। और तब उन्होंने इस क्रम से, गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य बन गए और मनुष्य बन करके उन्होंने अरुणवासी नर नारियों की आंखों से उनका दर्शन किया, फिर बाद में जब श्री राम कुछ और उनकी अवस्था बढ़ी तो वसुंधरा जी ने कहा कि महाराज अब जरा सीधे और भी दर्शन करने का तो कोई उपाय निकालिए। अब वो नई नई पद्धतियां उस सुख में भागीदार बनने के लिए की जा रही। और तब उन्होंने कहा कि बस एक ही उपाय, ज्योतिषियों पर लोगों की बड़ी श्रद्धा होती और माताओं की तो कहने क्या है, और बालक हो तो बालक कैसा होगा, भाग्यशाली होगा कि कैसा होगा, ये जानने की बड़ी चिंता रहती है माताओं को। तो बस आपने यही निश्चय किया, आओ हम दोनों ज्योतिषी बन जाए। भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। कैसी अनोखी बात, भगवान मिलते हैं सरलता से। और अब शंकर जी जो वेश बना रहे हैं, शिव शिव रूप में तो गए नहीं, कपट का रूप धारण कर लिया। लिखा हुआ भगवान राम के विवाह में जितनी स्त्रियां आई देवताओं की, उन्होंने कपट वेश बनाया। बोले कपट नारी बर वेश बनाए, कपट छल छिद्र न भावा, और आप दर्शन करने के लिए कपट रूप बना रहे हैं। तो भक्तों ने कहा कि चिंता मत करो, अरे वो भी तो कपट रूप बना के आए हुए हैं, तो चलो जब हम दोनों एक ही श्रेणी में हैं, कहो भी मनुष्य थोड़ी है, कहो उन्होंने भी वेश बदल लिया, हमने भी वेश बदल लिया। मानो वह कपट जो छलने के लिए नहीं है, रस की प्राप्ति के लिए, कब ज्योतिषी बन करके, और फिर प्रचार भी करना पड़ेगा क्योंकि कौशल्या अम्बा तक समाचार तो पहुंचे। और कितना सौभाग्य दिया शंकर जी ने कि कौशल्या जी की जो दासियां जहां रहती थी उनके यहां बिना निमंत्रण के पहुंच गए और कहने लगे कि हम तो हाथ देख करके फल बताया करते हैं, अब जब शंकर जी फल बतावे तो क्या कहना है, वो तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जो भी कहिए शब्द कम है। और तब ये समाचार जो है उन दासियों ने जाकर के कौशल्या अम्मा को दिया। समाचार क्या दिया, अवध आज आगमी का आयो, मां महारानी अयोध्या में आज एक ज्योतिषी आया हुआ है। क्या नाम है उसका, कैसा है? बोलो बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक, बड़े बूढ़े से है, बड़े प्रामाणिक है, माने ज्योतिषी तो जितना अनुभवी होगा उतना ही प्रामाणिक होगा, बूढ़े हैं माने बहुत से लोगों का फल बता चुके हैं। नाम क्या है ज्योतिषी जी का, शंकर नाम सुनाए, नाम नहीं बदला खाली रूप बदला। ये भी उस उद्देश्य वाले प्रभु हमारे श्री राम ने भी नाम नहीं बदला है, केवल रूप ही बदला है, तो नाम तो भाई अपना भी शंकर ही ठीक रहेगा। अब शंकर नाम तो किसी का भी हो सकता है। और ये भी कह दिया कि साथ में एक छोटा शिष्य भी है और बड़ा तेजोमय है, बड़ा योग्य है। और तब बुला लिया माँ ने, कहा ऐसे ज्योतिषी को बुला करके लाओ। अब माँ ने पूजन किया और पूजन करने के पश्चात शंकर जी तो उतावले हो रहे हैं दर्शन के लिए, श्री राम को गोद में लेकर के कौशल्या अम्मा आती हैं
गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर चित्र अर्पित किया। गोस्वामी जी ने कहा कि माँ के गोद में शिशु ब्रह्म को देख करके इतने अद्भुत आनंद में सोचने लगे, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज भगत प्रेम बस कौशल्या की गोद। और तब बड़े प्रेम से, इसलिए कुंडली वाले ज्योतिषी नहीं बने थे, बोले वहां तो जन्मपत्री दे दी जाएगी, फल बताइए, हस्तरेखा वाले ज्योतिषी बने जिससे स्पर्श करने का आनंद भी तो मिले। और फिर श्री राम के करकमलों को शंकर जी अपने करकमलों में ले लेते हैं और लेने के बाद रेखा का फल बताने लगे और विवाह तक का प्रसंग उन्होंने सुना दिया, भविष्य में क्या क्या होने वाला है। आगे के विषय में मौन हो गए। मैंने पूछा, महाराज बालक के सौभाग्य की आपने इतनी सराहना किया, कोई अनिष्ट तो नहीं है? तो अब उन्होंने कहा, बुरा तो अच्छे के साथ साथ कुछ न कुछ कोई बुरा फल तो होता ही है, तो महाराज अगर कोई बुरा फल हो तो ग्रह शांति का कोई उपाय बताइए, बड़े चतुर हैं, उनका उपाय तो बहुत लंबे हैं और बड़े काल के हैं, एक उपाय तो बड़ा सरल है कि अगर मेरे मस्तक में एक यंत्र है और इस बालक के चरण को मैं उस यंत्र से छुला दूंगा तो सारा अनिष्ट टल जाएगा। कैसी बहाने चरण को भी सिर पर धारण कर ले, ये लीला उधर भगवान लीला कर रहे हैं और यहाँ भक्त की लीला चल रही है। पर माँ तो बड़ी धर्मपरायण, नहीं महाराज, कहा मेरा ये नन्ना सा क्षत्रिय बालक, आप इतने बड़े महापुरुष कभी नहीं हो सकता, आप और जो शांति का उपाय बताइए, का वो मैं करूंगी लेकिन ये तो नहीं करूंगी। और तब भगवान शंकर ने सोच लिया कि भाई मैं मनुष्य बन गया, का ईश्वर से मनुष्य बन गया तो हाथ का स्पर्श मिला, पर अब चरण का स्पर्श पाने के लिए तो बंदर ही बनना पड़ेगा। और तब वो हनुमान बन करके चरण का सुख प्राप्त करते। वो स्वामी जी का संकेत है, कितना महत्तम वो स्वामी जी कहते, शंकर जी को इतना प्रिय है कि वो यही सुख लागी पुरारी अशुभ ब्रेत वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन सोई सुख लवलेश जिन वारिक सपने हु लहे हु ते नहीं गनहीं खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमत। उस सुख का लौलेश भी जिन्होंने जिन पा लिया है उनको ब्रह्म सुख की भी अपेक्षा नहीं रह जाती है। ऐसा दिव्य सुख, ऐसा आनंद जिसको पाने के लिए भगवान शंकर जो है मनुष्य बनते हैं, बंदर बनते हैं, का भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, सामीप्य प्राप्त हो जाए इसके लिए। और भुसुंडी जी ने तो उसी दिन से शंकर जी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हस्तरेखा तो शंकर जी ने देखा, इन्हें तो कुछ मिला नहीं, इन्होंने तो दर्शन, तो इन्होंने कहा महाराज बस अब आप पढ़ा रहे हैं, मैं तो अकेले ही रहूंगा। उन्होंने यही कहा कि आप जो है ऊपर से नीचे उतरे तो आपको मिल गया स्पर्श, और मैं कौवे से ब्राह्मण बन गया तो छिन गया, तो मैं तो कौवे रहूंगा फिर से और उसी रूप में आनंद लूंगा। और तब यही वर्णन आता है कि 5 वर्ष तक फिर वो विद्यार्थी ब्राह्मण के रूप में नहीं कौवे के रूप में, और कौवे के रूप में रहते हुए जो आनंद सुख उन्होंने पाया उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊ जूठन गिरही अजिर मह सोई उठाई में खाऊ। इस तरह से अयोध्या में सुख की और आनंद की पराकाष्ठा है, उसे भक्त पा रहे हैं, किंतु अभी इस सुख के साथ साथ जो लीला का विस्तार है, और उस विस्तार का तात्पर्य यही है जिसका संकेत मिलता है, अयोध्यावासी जिस आनंद में निमग्न है, जिस सुख में निमग्न है, अचानक महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। और महर्षि विश्वामित्र का आगमन मानो उसका अभिप्राय यह था कि इस समय अयोध्या के नागरिक माताएं महर्षि के पिता के रूप में जिन्होंने सौभाग्य पाया है वे भले ही आनंद में डूबे हुए हों, लेकिन इससे बाहर भी तो विश्व है, उनकी भी तो समस्याएं हैं, उसका भी तो समाधान मिलना चाहिए।
विश्वामित्र मानो संसार के जो दुख हैं वो विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ है जो संसार का मित्र है, तो विश्व के मित्र हैं और वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ राक्षसों के द्वारा नष्ट हो जाता है। वो स्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करहि अति मारीच सुबामहि डरहि, देखत यज्ञ निसाचर धामहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। और तब गाध तनय मन चिंता व्यापी, क्या हो? इसका अभिप्राय यह है कि इस आनंद में सुख के दो भागीदार हैं, वो तो सुख और आनंद में डूबे हुए हैं, पर संत का जो हृदय है, विश्वामित्र जैसा जो महापुरुष है, उसको लगता है कि जब तक ताड़का का विनाश नहीं होगा, मारीच और सुबाहु पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक यज्ञ धर्म पूर्ण नहीं होगा, और तब वो याचना करने के लिए आते हैं। और उस याचना के संदर्भ में अब भगवान राम की लीला का जो प्रारंभ होता है, अब आप देखेंगे क्रम। क्रम क्या है? महर्षि दशरथ जो है बड़े उत्साहित हुए महर्षि विश्वामित्र को देख करके, और देख करके उत्साहित ही नहीं हुए, उन्होंने उत्साह में भर करके कहा कि यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो उस करत न जाओ बारा, आपके कहने में देर है मेरे करने में नहीं। विश्वामित्र में नहीं बन मुस्कुराए, सारा उत्साह देखे कितने देर टिकता है मेरी मांग सुनने के बाद, और तब उन्होंने ये कह दिया, असुर समूह सतावही मोही, और मैं जाचन आयो नृपतो ही, अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो बसना था। बस वो तो शब्द निकला और दिखाई पड़ गया, महाराज दशरथ की दशा सोचनी हो गई, तुरंत सावधान किया, देह भूप दो, और देने ही है तो हर्षित मन, हर्षित होकर के दो, और उसका अभिप्राय मैं आया हूं तो लिए बिना तो जाऊंगा नहीं, चाहे प्रसन्नता से दो चाहे रोष रुष्ट होकर के दो, वो तो देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा तो तुम प्रसन्न मन से दे दो। और साथ साथ बता दिया, तुम्हारे मन में इन्हें देने के में अगर कोई संकोच हो रहा है तो ये तुम्हारा मोह और अज्ञान है। कल की कथा का स्मरण कीजिए, संसार में जब आपसे कोई व्यक्ति वस्तु मांगता है तो देने का आनंद तो व्यक्ति लेता है जो उधार है, लेकिन देते समय भी उसको यह ध्यान तो रहता ही है कि भाई इतना ना दे दे कि हमारे पास कुछ बचे ही नहीं। अब कथा तो यहां तक आती है ना कि जब सुदामा जी को भगवान कृष्ण दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग दे चुके और तीसरा देने चले तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि अपने लिए भी कुछ छोड़िएगा कि सब कुछ दे दीजिएगा, ऐसा भक्तों ने कहा। लेकिन पर सूत्र तो वही है, जब ईश्वर को कोई मांगने आया, कैसा अनोखा सूत्र है, ईश्वर को देना चाहिए कि नहीं? और कोई व्यक्ति वस्तु देगा तो वस्तु कम हो जाएगी, ये तो निश्चित ही। यहां पर महर्षि दशरथ जब प्रसन्न नहीं दिखाई पड़े तो उन्होंने सूत्र दिया, या तो ये तुम्हारा मोह है या अज्ञान है। अज्ञान माने तुम इन्हें पहचानते तो हो नहीं, और ये तो वो है कि जो पहले से ज्ञान का विरोध कर चुके थे मनु के रूप में, मुझे ज्ञानवान नहीं चाहिए। तो कौशल्या, एक विचित्र बात आप देखेंगे, श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो कौशल्या अम्बा ने प्रसन्न मन से विदा किया, और दशरथ जी तो तैयार ही नहीं हो रहे थे, और उसका कारण था कि मां को विवेक पहले मिल चुका था, ये तो विवेक वो अस्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा अपना अज्ञान छोड़ो वो छोड़ो, फिर भी वो तो ज्ञान के प्रेमी ही नहीं है। तो जैसे यो कह लीजिए, किसी से दान मांगा जाए तो कृपण कैसे दे, लेकिन किसी से ब्याज पर उधार रुपया मांगा जाए तो कृपण भी दे देता। तो कहने लगे, घबराओ मत, देने के बाद तुम घाटे में नहीं रहोगे, ये भी घाटे में नहीं रहेंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? बोले, धर्म सुजस प्रभु तुमका, आपको तो यश मिलेगा और धर्म मिलेगा। ये तीन कामनाएं होती हैं, पुत्र की कामना, धन की कामना और कीर्ति की कामना।
तो पुत्र की कामना तुम्हारी पूरी हो गई, धन की कामना राजा के रूप में पहले पूरी हो चुकी थी, अब तो केवल कीर्ति की बात है। तो तुम दोगे तो तीसरी वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। और इनका अति कल्याण, ये बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कह दी, इनका भी कल्याण होगा। पर उस सूत्र को इतनी सरलता से महाराज दशरथ विवेक न होने के कारण बस समझ नहीं पाते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्युति कुमिलानी। आपने लगा हृदय मुख का बिल्कुल सूख गया, और तुरंत उलाहने के स्वर में उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, मांगहु भूमि धेनु धनुष कोषा सर्वस आज देव सहरोस। जो भी संपत्ति जो भी मांगना चाहे, विश्वामित्र जी ने देखा जो वस्तु में छोड़ करके आया वही मुझे देना चाहते हो, स्वयं भी राजा रह चुके। और तब उन्होंने कहा, महाराज आप सोचिए तो, चौथे पन पाए सतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, अरे कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुन इंद्र पर गिरा प्रेम रस सानी। वो स्वामी जी ने विभाजन कर दिया, ये भाषा तो ये अपना पुत्र मानते हैं, तभी तो इतनी व्याकुलता हुई। इसमें उनका अज्ञान के स्थान पर यो कहे कि प्रेमाधिक्य था, प्रेम में मानो ज्ञान को अस्वीकार कर चुके। तो विश्वामित्र जी प्रसन्न भी हुए, चलो अपने को इतना अधिक राम की चिंता करने वाला भी तो कोई मिला, हम तो चिंता दूर कराने के लिए ईश्वर को लेने आए, पर हमारी चिंता दूर करने के लिए जो ईश्वर जाने वाला है उसकी चिंता करने वाले महाराज बैठे हुए। महाराज हमारे पुत्र कितने कोमल हैं, कितने किशोर हैं, और कहां ये भयानक राक्षस हैं, कैसे आप इनको मांगने की बात सोचते हैं। और तब वो स्वामी जी ने कहा, ये वशिष्ठ जी ने उस अवसर पर का महाराष्ट्र दशरथ को समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृप संदेह नाश कह पावा। का वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में पुरानी टकराहट जो थी वो एक वस्तु को लेकर के थी। उन वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी, विश्वामित्र ने राजा के रूप में उन्हें मांगा और उन्होंने नहीं दे दिया। नहीं दिया तो राजा विश्वामित्र को क्रोध आया, उन्होंने छीनने की चेष्टा किया, हार गए तो तपस्या करने लगे कि मैं भी वशिष्ठ के समान ब्रह्मर्षि बनूंगा। और आज फिर एक अवसर आया, फिर विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए हुए हैं, और आज एक नई दृष्टि मिली। उस दिन विश्वामित्र ने मांगा था, वशिष्ठ ने नहीं कर दिया था, और आज विश्वामित्र के मांगने पर दशरथ जी ने नहीं किया तो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। तो आजकल की तो व्याख्या है बड़ी अनोखी। एक व्यक्ति ने कहा कि ये ब्राह्मण कितने स्वार्थी होते, जब अपनी वस्तु देनी थी तो नहीं कर दिया, और दूसरे का बेटा दिलवाना था तो दिलवा दिया। व्याख्या तो व्याख्या है, और आजकल तो सारी व्याख्या है जातिवाद की दिशा भी मुड़ गई है, पर उसका सूत्र तो दूसरा है। सूत्र यही है कि अगर कोई पूछे कि आपसे इन्होंने कामधेनु मांगा तो आपने नहीं दिया, और ये आज राम को मांगने आए हैं और आप दिलवा रहे हैं, तो उनका सूत्र यही है कि कामधेनु का दुरुपयोग व्यक्ति कर सकता है। कामधेनु माने वह गायक जो प्रत्येक कामना को पूर्ति कर दे, पर ईश्वर को पा करके उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। कोई कामधेनु चाहेगा तो ये देखना पड़ेगा कि इसका उपयोग क्या करेगा, पर अगर कोई ईश्वर को मांगने आया तो इससे बढ़कर के तो कोई बढ़िया बात नहीं होगी। और उन्होंने यही कहा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा नृप संदेह नाश कह पावा। और तब उसके पश्चात कश्य राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ बुलाते हैं, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। शिक्षा देने लगे, फिर वही, वो तो वात्सल्य उनका वही है, पुत्र को मैं मुनि के साथ भेज रहा हूं, पता नहीं इन लोगों के व्यवहार से कोई त्रुटि हो, महात्मा विश्वामित्र रुष्ट हो जाए, इसलिए बड़े प्रेम से सिखाने लगे गुरु जी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और तब सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, आशीर्वाद दिया, और फिर
सौंप दिया। सौंपते समय विश्वामित्र के हाथों में प्रभु का हाथ देख करके महाराज दशरथ ने यही कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज ये मैं पुत्र नहीं ले रहा, मैं अपना प्राण आपके साथ अर्पित कर रहा हूं और आज से इनके पिता आप। और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, आशीर्वाद दिया दे दिया। फिर प्रभु मां के महल में गए पर वहां कोई समस्या नहीं आई। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष, कौशल्या जी के यहां गए मां को प्रणाम किया जल पड़े, बात उल्टी हो गई। कि माता के हृदय में अधिक वात्सल्य उमड़ना चाहिए कि मेरा पुत्र कहां जा रहा है, पिताजी इतने वात्सल्य में व्याकुल और उन्होंने तत्काल विदा कर दिया। उसका दो ही सूत्र है, कौशल्या जी से शत्रुपा के रूप में भगवान पहले कह चुके हैं, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह मेरे। वो भावना में स्थित है, वो विवेक में स्थित है। और साथ साथ एक सूत्र दूसरा है, ज्योतिषी बनकर के शंकर जी आए थे तो विवाह तक बता गए थे और उसमें उन्होंने बता दिया था कि विश्वामित्र आएंगे और मांग के ले जाएंगे, तो माता सो पहले ही प्रतीक्षा कर रही थी कि वो आगे जो भविष्य फल होने वाला है कब घटित हो। और अब जो श्री राम की यात्रा होती है उसके बाद श्री गणेश कहां से होता है, सोई सुख सोई गति, और गति का सूत्र माने दोनों प्रकार की गतियों का उल्लेख। दोनों प्रकार की गति माने एक और ताड़का की गति और दूसरी ओर अहिल्या की गति। एक के जीवित रहने पर जो गति होती है उसका वर्णन किया गया और दूसरी ओर मृत्यु के बाद जो गति होती है उसका वर्णन किया गया। और उसमें सूत्र वही है, ताड़का के रूप में जब वह राक्षसी जो यज्ञ को नष्ट करने वाली है, जो मुनियों को खा जाने वाली है, जब प्रभु ने महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया तो गोस्वामी जी ने कहा, देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान के व्यवहार में न्याय नहीं। क्यों? ताड़का के स्वभाव में क्रोध है और अहिल्या का पतन काम के कारण हुआ, पर लगता तो यह है कि भगवान ने ताड़का का वध कर दिया, मार डाला, और अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो काम और क्रोध अगर दोनों ही समान विकार हैं, तो एक को दंड दे देना और दूसरे को पुरस्कार दे देना बात उचित, ये कैसा न्याय? और उसका सूत्र है कि नाना, भगवान ने तो दोनों को एक ही वस्तु दिया, अहिल्या को जो वस्तु दिया वही वस्तु ताड़का को दिया। अहिल्या को क्या दिया? परिषद पद बावन, भगवान के पद का स्पर्श अहिल्या को मिला। और ताड़का को क्या मिला? भगवान राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से बाण चलाया, लेकिन बाण चलाने के बाद अगला वाक्य क्या है, वो स्वामी ने तुरंत लिख दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते निज पद दीना। पद दोनों को दिया गया, अहिल्या को भी पद मिला और ताड़का को भी पद ही मिला, जिसने बस अंतर एक ही। कभी अगर दोनों को एक ही वस्तु मिलती है, कहा जाता है ना, एक दोहा प्रसिद्ध है गोस्वामी जी के संदर्भ में कि उन्होंने कहा, बस यहां तो कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि खीजे पै मुक्ति दई, ब्राह्मण से खींच गए तो मुक्ति दे दिया, और रीझे दिन ही लंक, विभीषण पर रीझ गए तो लंका दे दिया। तो बोले, अधा धुंध दरबार है तुलसी भजो निसंग, जब मिलने ही मिलना है तो फिर तो क्या चिंता करने की बात। बल्कि बड़ी मीठी बात आती है, जब युद्ध समाप्त तो हुआ और इंद्र ने आके पूछा, महाराज कोई सेवा मुझे भी बताइए, तो बेचारा युद्ध में तो सीधे लड़ने आया नहीं था, तो लेकिन अब कम से कम युद्ध के बाद तो कोई सेवा दे दीजिए। तो भगवान तो बड़े उदार है, कह लगे, देखो ये बंदर युद्ध में मुझसे लड़ते हुए मारे गए हैं और तुम्हारे पास स्वर्ग में अमृत है, ले जाकर के वर्षा कर दो जिससे जीवित हो जाए। इंद्र ने विमान पर जाकर के वर्षा किया और जितने बंदर भालू मरे थे वो फिर से जीवित हो गए। पर बंदर भालुओं के वो तो पड़े हुए थे तो राक्षस भी पड़े हुए थे,
और राक्षस भी पड़े हुए थे तो राक्षस तो नहीं जीवित हुए। तो किसी को लगा कि भगवान ने भाई राक्षसों को दंड दिया, क्योंकि राक्षसों ने इतना अनर्थ किया था, इतना पाप किया था, और देवताओं ने सेवा की थी, उसका पुरस्कार मिला। वो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, बंदरों को जीवन दान दे दिया पर राक्षस इसमें जीवित नहीं हुए कि राक्षसों को मुक्ति दे दिया। जब भगवान राक्षसों को मुक्ति देने लगे तो किसी ने कहा महाराज ये इन्हें मुक्ति किस विशेषता के आधार पर, मुक्ति तो सर्वोच्च वस्तु है, सबसे कठिन है, इनको मुक्ति कैसे आप दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा इन्होंने मेरा भजन किया है, आपको इन्होंने कौन सा भजन किया। अब भगवान ने जो वाक्य कहा वो तो वही कह सकते थे। भगवान ने तुरंत कहा कि बैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय, बैर भाव से इन्होंने मेरा स्मरण किया। किसी ने पूछा महाराज बैर भाव है कि कुभाव है, भक्ति में तो पांच ही भाव माने जाते हैं, भक्ति के पांच भाव है, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार और शांत, पांच भावों से ही भगवान से नाता जोड़ा जाता है और भगवान की उपासना की जाती है। जब प्रभु ने कहा कि बैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय तो किसी ने पूछ दिया महाराज सारे भक्त शास्त्र में सारे ग्रंथों में पांच भाव तो पढ़े थे पर ये बैर भाव कौन सा भाव। भगवान ने कहा कि ये शास्त्रों में नहीं है, मेरे कृपा शास्त्र में। मानो कृपा से ही भगवान कुभाव को भी भाव मान लेते हैं, और मान लेने के पश्चात दे ही परम गति सो जिए जानी अस कृपालु को कहो भवानी। और तब ये कहा जा सकता है कि मुक्ति अगर भगवान राक्षसों को भी दे देते हैं, सबको दे देते हैं, तो भक्ति की क्या आवश्यकता। तो भक्ति के अभाव में भी तो जो भक्त तो नहीं थे उनको भी तो भगवान ने मुक्ति दे दिया। नहीं नहीं अंतर है, और वो अंतर सबसे बड़े महत्व का ये है कि मरने के पश्चात जो मुक्ति प्राप्त होगी वो तो मृत्यु के बाद ही उस सुख का व्यक्ति अनुभव करेगा। इसीलिए गोस्वामी जी से भी प्रश्न किया गया, ये बताइए कि क्या भक्त लोग मरने के बाद उनको निश्चित रूप से श्रेष्ठ गति मिलती है क्या। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अब मिलती है मैं कह दूं तो अब मानो तो मानो ने तो विश्वास भी नहीं हो, वर्णन तो शास्त्रों में किया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई बिना पत्रिका में उन्होंने कहा को जाने जय है को स्वरूप, क्या पता कौन स्वर्ग में जाएगा। अब लिखा तो सबके साथ स्वर्गीय ही जाता है मरने के बाद, लेकिन अब कोई आवश्यक तो नहीं कि वो स्वर्ग में ही गए हो, पर व्यक्ति तो लिखेगा तो स्वर्गीय ही लिखेगा। उन्होंने कहा को जाने जय है को सुरपुर, और कौन नरक पर धाम, कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया कौन परम धाम में जाना इसको कोई नहीं कह सकता। कबीरदास जी से भी किसी ने पूछ दिया था वहां महाराज क्या क्या है उस लोक में, तो अपने अखड़ भाषा में उन्होंने यही कहा भाई उतते कौन लौटा जाते पूछो धाय, इतते सभी जात है भार लदाए लदाए। इधर से जाने वाले दिखाई दे रहे हैं, उधर से आने वाले मिले तो पूछे वहां क्या क्या मिला। पर इसका मूल उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा भाई मृत्यु के बाद की बात सोचना। उन्होंने कहा भक्ति का अर्थ क्या हुआ, उन्होंने कहा को जाने जई है को सुरपुर, कौन नरक पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम। भक्त तो जीते ही जीते जिस आनंद का अनुभव करता है वही उसकी पूर्णता है मरने के बाद। बस ताड़का और अहिल्या का अंतर ये, ताड़का भले ही मुक्ति प्राप्त कर लेती है पद ही मिलता है, पर वो स्वामी ने सूत्र दे दिया सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, भगवान को देख करके भी क्रोध ही उसको आया दौड़ी। प्रभु की उदारता यह अवश्य है कि जब उसे अपना पद देने लगे तो किसी ने पूछा महाराज ये भी आपका पद प्राप्त कर लेगी, तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने यही कहा इसके पास जो सबसे बड़ी वस्तु थी इसने दिया, मेरे पास जो सबसे बड़ी वस्तु है मैं दे रहा हूं। क्या बोले प्राण ही सबसे प्रिय है, जब मैंने इससे लिया है तो बदले में इसको देना भी तो चाहिए,
इसलिए गोस्वामी जी का शब्द है एक ही बाण प्राण हरि लीना लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। तो ये मरने के बाद जो गति प्राप्त होती है उसका भी श्री गणेश जो है अयोध्या से निकल करके हुआ, लेकिन मरने के बाद की गति का वह आनंद आनंद तो है जो अहिल्या के जीवन में प्राप्त हुआ। और अहिल्या के जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है उसका एक ही सूत्र है। ताड़का और अहिल्या में अंतर यह है कि ताड़का को कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मैं पाप करती हूं, मैं अधर्म करती हूं, मैं बुरा करती हूं। और अहिल्या उनकी विशेषता है कि एक बार अगर अपराध हो गया तो उन्होंने अपराध का अनुभव किया। और ये सूत्र बड़े महत्व का है। हमारे जीवन में बुराई है और बुराई को हम समझ करके उसके ग्लानि करें, पश्चाताप करें, तो मानो हम भक्त साधना के पथ के पथिक बन जाएंगे। और अगर हम बुराई पर गर्व करें तो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री राम मुक्ति भले ही दे दें, वह गति जो मुनियों को दी जाती है, लेकिन बाण का प्रहार तो होता ही है, आघात तो होता ही है, श्री राम के दर्शन से उसे किसी आनंद का अनुभव जीवन काल में नहीं हुआ। पर अहिल्या के संदर्भ में पत्थर बनी हुई वह पड़ी हुई अहिल्या है। और संत विश्वामित्र जब उनसे प्रभु पूछ देते हैं यह कैसा आश्रम है जहां न कोई मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, और ये आकृति नारी की है, और तब गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने पूछा ऋषि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि थी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जब भगवान के अब वो जो अहिल्या की गति है, ये गति शब्द जो है इसका आपको सूत्र मिलेगा, जब धनुष टूटने के बाद श्री किशोरी जी ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, और जयमाल पहनाने के बाद सखियों ने उस समय परंपरा के अनुकूल ये कहा कि आप श्री राम के चरणों में प्रणाम करें, इनके चरणों को पकड़े। गोस्वामी जी ने लिखा, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करतन परस चरण अति भीता। उन्होंने प्रणाम नहीं किया, चरण भी नहीं पकड़ा। क्यों? बोले गौतम तिय गति सुरति करी, गौतम की पत्नी की गति का उन्होंने स्मरण किया। इसके अर्थ में कभी कभी मतभेद हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि श्री सीता जी को डर ये लगा कि पत्थर को इन्होंने नारी बना दिया तो मेरे हाथ में हीरे और कंकण हैं, कहीं वो भी अनेक स्त्रियां और न चरण स्पर्श हो जाए, पर संभवतः ये उतना उपयुक्त भाव नहीं। इसके मूल में सूत्र ये है, यहां पर गति शब्द मानो उस अर्थ में है, अहिल्या कोई मुक्त थोड़ी हो गई थी, वो जो गति शब्द का प्रयोग है मानो भक्तों के अंतःकरण में भगवान को पाने के बाद जो उनकी स्थिति है, वो अहिल्या के प्रसंग में और बाद में श्री भरत के प्रसंग में भी यही शब्द मिलेगा। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर जाते हैं तो देख ही भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। भक्ति में श्री भरत जब विह्वल भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उस समय उनकी उस गति को देख करके लोगों के हृदय में भी प्रेम का संचार हो गया। और अहिल्या के जीवन में भी वही गति तो है, जिस समय क्या दिव्य वर्णन है, परिषद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। यही है उसकी गति, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। ऐसी जो विह्वल की स्थिति है, जब कोई प्रेमी जिस स्थिति में भगवान का दर्शन के बाद जीते जी पहुंचा हुआ, वही मानो उसकी गति है। संकेत क्या था? सखियों ने जब कहा कि चरण को पकड़ लीजिए तो अहिल्या की याद आ गई और सखियों के व्यवहार की भी याद आ गई। क्या? कि पुष्प वाटिका में पहले तो इन सखियों ने कहा कि नेत्र खोल करके दर्शन कीजिए, और नेत्र खोल करके मैं जब दर्शन में डूब गई तो इनको चिंता हो गई कि मां क्या कहेंगी,
ऐसा कुसुमाटिका का वर्णन आया कि बड़ा विलंब हो गया, मैं माँ क्या सोचेंगी क्या कहेंगी, अब ये तो इनके दर्शन में डूब गई। और तब सखी को धीरे से कहना पड़ा, पुण्याओ वे विरिया काली, कल फिर आवेंगे बड़े प्रेम से, पर अभी चलिए। मानो श्री सीता जी का तात्पर्य था कि जिनके दर्शन से मेरी ये दशा हो गई, गति बन गई, और अहिल्या जैसे पत्थर भी पिघल करके जिस रूप में द्रवित हो गई, अब मैं जब चरण पकड़ लूंगी तो फिर छोड़ने के लिए भी कहेंगी कि बस हो गया अब चलिए। इसलिए उस दिव्य गति का जो बिल्कुल विभोर हो जाता है प्रेमी, उस स्थिति में जीवन काल में जो भरत की गति है, जो अहिल्या की गति है, गौतम तीय गति सुरतिकारी नहीं परसद पग पानी, नहीं नहीं, इनके स्पर्श से तो पत्थर में भी रस आ जाता है, चेतना आ जाती है, मैं जब स्पर्श करूंगी तो मेरी क्या स्थिति होगी। और इस तरह से यात्रा प्रारंभ होती है सुख विवेक और गति से, और आगे जो क्रम है उसकी चर्चा अगले दिनों। बोलिए सियावर।